गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं आप सबको क्लास 8 का हिंदी ग्रामर पढ़ा रही हूँ। हिंदी ग्रामर में निबंध पढ़ा रही हूँ। मैं एक निबंध पहले भी बता चुकी हूँ, आज मैं फिर दूसरा निबंध आपको समझा रही हूँ। 250 से 300 शब्दों में इसे लिखना है और अपने मातृभाषा में इसको लिखना है, अपने शब्दों में इसको व्यक्त करना है। निबंध का शीर्षक है मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य, हर मनुष्य का, हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, उसका उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है और आगे की ओर बढ़ता है। पहले हम इसका परिचय देते हैं। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है। केवल इच्छा मात्र से ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। केवल इच्छा मात्र से ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, हमें उस दिशा की ओर अनिवार्य कदम उठाना होगा। हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे ताकि मेरा ध्यान उसी तरफ रहे और हम अपना पूरा समय उस पर बिताएं। अब आइए हम लोग ये निबंध का विशेष गुण क्या है, विशेषता क्या है। यदि मेरा लक्ष्य शिक्षक बनना है या डॉक्टर बनना है तो हमें अपने मन को उस ओर केंद्रित करना होगा। शिक्षक बनने के लिए हमें अधिक से अधिक शिक्षा हासिल करना होगा ताकि आगे चलकर हम विस्तार पूर्वक प्रचार और प्रसार कर सके। यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बचपन से ही हमें उस ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे डॉक्टर मरीजों की सेवा तन मन लगाकर करते हैं, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। ये दो हम एग्जाम्पल दिए हैं। जरूरी नहीं है कि हम शिक्षक ही बने, डॉक्टर बने। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, साइंटिस्ट बनने का, इंजीनियर बनने का या सामाजिक बनने का, तो हम उस ओर अपना कदम बढ़ाएंगे और उस उद्देश्य की को पूरा करने में लग जाएंगे। अब इससे लाभ देखिए, शिक्षक बनकर हम समाज के बीच ज्ञान और विज्ञान का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं ताकि गांव के कोने कोने में लोग शिक्षित हो सके। शिक्षित होकर अपने अपने परिवारों को, अपने अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दे सके, गांव में एक शिक्षित लोग कहला सके। डॉक्टर बनकर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, मरीजों का मुफ्त इलाज कर उन्हें जीवन दान देना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर में ईश्वर का, क्योंकि डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा नाम कहा जाता है, दूसरा नाम कहा गया है। डॉक्टर बनकर भी हम समाज की सेवा को अच्छी तरह करते हैं, अपने मरीजों की इलाज तन मन धन लगा कर करते हैं, उनके प्रति निस्वार्थ भावना रखते हैं, सदैव अपने कर्म और धर्म के प्रति ध्यान देते हैं। इस तरह हम निबंध का कुछ उदाहरण हम आपको सामने बता रहे हैं और इसको विस्तार पूर्वक आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसे हम थोड़ा आपको समझा करके बताना चाहते हैं कि आप इसे अच्छी तरह 250 से 300 शब्दों में निबंध को तैयार कीजिएगा और इसका अध्ययन कीजिएगा। आपका जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए उसकी प्राप्ति के प्रति ध्यान रखकर ही निबंध को पूरा कीजिएगा।